अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के सचिव क्या बने, हिमाचल वासियों की उम्मीदें जैसे क्रिकेट के प्रति जाग उठी, इतनी बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अनुराग क्यों कह रहे हैं कि हिमाचल सरकार का खेल के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाए हुए हैं? हम आपको बताएंगे कि क्यों, साथ में यह भी बताएंगे कि जनता क्या कह रही है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के बारे में और टेस्ट मैच को लेकर। हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने वैसे तो क्रिकेट जगत में अपनी पहचान पहले से ही बना रखी है, लेकिन बीसीसीआई ने एक बार फिर उनकी खेल के प्रति रुचि देकर उनके प्रति विश्वास दिखाते हुए उन्हें बीसीसीआई ने सचिव पद पर नियुक्त किया है। वहीं अब राज्य को भी उनसे उम्मीदें बढ़ गई है। राज्य में इस वक्त धर्मशाला स्टेडियम में वनडे और आईपीएल मैच होते आए हैं, लेकिन किसी कारणवश अब की बार धर्मशाला में आईपीएल मैच एक भी नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से क्रिकेट प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई है। कमी है, अगर आईपीएल यहां खेले जाएंगे तो ऑलरेडी हिमाचल का नाम आगे बढ़ेगा और इससे आप देखिए तब एक चीज का बेनिफिट मिलेगा अपने को, युवाओं को खेल के साथ साथ और फैसिलिटी मिलेगी। आईपीएल के चौके छक्के अब की बार आप सब अपने होम ग्राउंड में नहीं देख पाएंगे, यहां तक कि मेजबान टीम किंग 11 पंजाब अब की बार एक भी मैच इस मैदान में नहीं खेलेगी। इसके लिए सचिव अनुराग सिर्फ राज्य सरकार को ही दोषी करार दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर आरोप जड़े हैं कि राज्य सरकार क्रिकेट के प्रति अपना नकारात्मक रवैया अपना रही है। देखिए, एक नकारात्मक वातावरण प्रदेश की सरकार ने बना दिया है, खेलों के प्रति जो लोगों का रुझान था वो कम हुआ है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स हम यहाँ पर करवाते थे उस पर भी विवाद प्रदेश की सरकार ने शुरू कर दिया। अब इन विवादों को कहीं ना कहीं ख़त्म करके खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब तक प्रदेश सरकार की नीयत साफ नहीं होगी और खेल के प्रति नीतियाँ ठीक नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अनुराग ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार सिक्योरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि आज राज्य को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, तभी राज्य को लाभ मिल पाएगा। मैं जितने मर्जी बड़े बड़े मैच ले आऊं, अगर प्रदेश सरकार सिक्योरिटी में परमिशन देने में इतना लंबा समय लगाए, करोड़ों रुपए की मांग खड़ी कर दे, तो हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों को बगैर मैच देखे घर पे बैठना पड़ेगा। जिस क्रिकेट मैच के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, आय के साधन बनते हैं, उनको एक बार फिर अवसर हाथ से चूक जाएगा। और जिन मैचों के माध्यम से हिमाचल की सुंदरता को दुनिया भर में दिखाया जाता है, वो मौका भी हमसे चला जाएगा। जरूरत है प्रदेश सरकार को अपनी सोच बदलने की, और अगर सोच नहीं बदलेंगे तो प्रदेश का बहुत नुकसान होगा। उधर लोगों का कहना है कि सरकार को क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहिए, उनकी जो करोड़ों रुपए की मांग है वो सरासर गलत है। नहीं मैम, जैसे मांग की बात है वो तो अब पता नहीं कैसे वो बोल रहे हैं, पर जो मैच की बात है वो तो होने चाहिए, जो मांगे जो ऐसे अननेसेसरी हो रही है वो तो ठीक नहीं है ना। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, राज्य सरकार को इसका सहयोग देना चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट मैच यहाँ होता है तो इससे हमारे हिमाचल का भी नाम ऊँचा होगा और काफी यहाँ पे पर्यटन भी बढ़ेगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मशाला में आईपीएल मैच का ना होना बहुत बड़ा धक्का है क्रिकेट प्रेमियों को। विशेष वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि लोग क्या कह रहे हैं स्टेडियम को लेकर।